नमस्कार अर्जुले, ये पांचवे दिन का खात्मा है और अभी मेरा एक मेडिकल टेस्ट हो रहा है। हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया था कि मेरा शुगर लेवल बहुत बहुत लो है, 20 पे है, जो कि 100 से 200 तक होता है, मगर वो जाहिर है, नेचुरल है, क्योंकि पांच दिन से कुछ भी अंदर गया नहीं है। तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, जब वो ग्लूकोज या शुगर नहीं पाता है तो वो कीटोसिस पे चला जाता है। खैर, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। तो आज पांचवे दिन, क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, लगभग 1000 के करीब लोग आए थे, अलग अलग धर्मों के, और वो अपने अपने धर्म के मंत्र जाप करते, पूजा दुआ करते रहे पूरे दिन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले संडे आप लोग भी अपने शहरों में लद्दाख के समर्थन में एक दिन का अनशन जरूर करेंगे, क्योंकि ये लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई, सत्य और लोकतंत्र की है। लोकतंत्र की, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनने के बाद बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना जनप्रतिनिधित्व के, परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में, यूं कहिए एक कॉलोनी की तरह रखा गया है, जो कि भारत के किसी भी प्रांत में नहीं होता है। तो ऐसे में आपको समर्थन करना चाहिए अपने लद्दाख के भाइयों का। और फिर ये सच्चाई की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अनेक बार हमारे सरकार ने हमें वादे किए, और वो लिखित में हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में हैं, जहां कहा गया है कि लद्दाख को, लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर आज 4 साल हो गए, 2 इलेक्शंस जीते इसी वादे पर, और फिर उसके बाद मुकर गए, बैक ट्रैक कर गए। तो ऐसे अगर हम चुप बैठे तो ये हम पे धिक्कार होगा कि कोई वादा करे, उसका वादा भी हम पूरा न कर पाए। तो वादा करने वाले से ज्यादा जो बहक जाए और चुप रहे, उसका भी उतना ही गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, जैसा कहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस सत्य की लड़ाई में सब जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यमेव जयति, झूठ की जीत होती है। तो ये किसी के भी फायदे में नहीं होगा, और वैसे भी ये एक उदाहरण सिद्ध करेगा, अगर मैनिफेस्टोस का यही हाल होता है तो अगले चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो सब इसी हालत में होंगे। ऐसा ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि लद्दाख अपने वादे पूरे करवाएं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि किया भी जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि ये जो सरकार है, जो भगवान राम पर इतना आस्था रखती है, तो भगवान राम तो मूर्तियों में केवल नहीं, अपने आदर्शों में जीते हैं, और उनका आदर्श है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें उम्मीद है कि अपने वचन पर खरा उतरेंगे और पूरे देश के लिए एक अच्छा मिसाल सिद्ध करेंगे। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले रविवार 17 तारीख को उम्मीद है आप लोग अपने अपने शहरों से लद्दाख का और सत्य का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।